Hello everyone, this is Shivraj Kurchar and today we will discuss stability of equilibrium, that is stable or unstable equilibrium. This is an important topic and easy as well. Questions are asked from this topic, okay, conceptual topic in fact. Basically we will see there are three methods in fact through which we can know if equilibrium is stable or unstable. Okay, we have studied the virtual work concept. From that we know that in position of equilibrium total work done is zero. ठीक है भाई, उसमें कॉन्सेप्ट यही तो यूज किया हमने कि टोटल वर्क डन जीरो होगा. जैसे अगर टेंशन तो टी और चेंज इन लेंथ मल्टीप्लाई करेंगे दैट शुड बी जीरो इफ टी इज द ओनली फोर्स देयर. ठीक है, तो उसी को थोड़ा आगे बढ़ाना है इस कॉन्सेप्ट में. ठीक है, इक्विलिब्रियम में तो है इफ वर्क डन इज जीरो देन द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, बट दैट इक्विलिब्रियम इज स्टेबल और अनस्टेबल. That is the theme of this chapter in fact. Okay, so let us start. First we'll see let us see what in fact practical terms if we see what is stable and unstable equilibrium. Let us say that a particle is moving along a smooth curve in vertical plane. Theek hai, let us say this is vertical plane, this is vertical plane. Okay, this particle of mass m is moving on along this smooth curve. Let us say this is A, this is B, this is point C, this is point D, this is point E and so on. ठीक है, so देखो if ये particle मान लो ये जो A B C D and E, A B C D E are positions of equilibrium of particle. ठीक है, मूविंग अलोंग दिस स्मूथ कर्व, स्मूथ कर्व, मूविंग अलोंग दिस स्मूथ कर्व. ठीक है, इन वर्टिकल प्लेन ऑफ कोर्स. ठीक है, अब देखो अगर ये पार्टिकल ए पे है, इफ वी डिस्प्ले डिस्प्लेस इट स्लाइटली इन दिस डायरेक्शन और दिस डायरेक्शन देन ऑफ कोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इस पे जो वेट वर्क कर रहा होगा डाउनवर्ड वेट वर्क करेगा. जैसे यहाँ पे अगर इसको डिस्प्लेस किया यहाँ पे आ गया तो एम जी ऐसे वर्क कर रहा होगा. ठीक है, तो उसके एक कॉम्पोनेंट की वजह से ये इस डायरेक्शन में और ज़्यादा जाएगा, ऐसे ही ये इस डायरेक्शन में जाएगा. ठीक है, बट अगर यहाँ पे कोई पार्टिकल, जब पार्टिकल यहाँ पे होगा और इसको अगर स्लाइटली इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करें तो ड्यू टू द डाउनवर्ड एक्शन ऑफ दिस एम जी, इसका एक कॉम्पोनेंट डायरेक्शन में होगा, ये वापस अपनी पोजिशन जो ओरिजिनल पोजिशन है उसमें आने की कोशिश करेगा. ठीक है, तो इन दोनों जगह ये इक्विलिब्रियम में है, बट अगर इसको डिस्प्लेस किया जाता है तो ये इनफेक्ट ये इस पोजिशन से दूर चला जाएगा, और इस केस में अगर इसको डिस्प्लेस करते हैं तो ये अपनी ओरिजिनल पोजिशन में आ जाएगा. ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. ठीक है, सो जो पॉइंट ए है, जो पॉइंट ए पे होगा सिमिलरली दैट विल हैपन एट सी एज वेल एज ई. ठीक है, यहाँ पे भी अगर पार्टिकल को ऐसे डिस्प्लेस करेंगे तो इट विल इवन मूव फर्दर अवे. ठीक है, सो दीज आर द पॉइंट वेयर द इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल. अनस्टेबल इन द सेंस कि इफ वी डिस्प्लेस द पार्टिकल बाय सम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देन द पार्टिकल मूव अवे फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजिशन. Okay, basically the forces acting on particle, they do not try to take it back to its original position, but they help in basically taking it away from its original position. So these points where the particle is, if displaced, move further away from the original position are points of unstable equilibrium. पर देखो जो point B है, D है, इस type के और यहाँ पे भी जो भी point होगा, ये सब है stable equilibrium, because if we displace this particle slightly, whatever direction we displace, the forces acting on this particle act in such a way that they try to basically restore its original position. Okay, so that's why we call that stable equilibrium. So I hope you समझ में आ गया होगा. ठीक है, simple सा concept. अगर देखो मान लो ये rigid body ले ली जाए, ये यहाँ से suspended है, let's say A is point of suspension, point of suspension. कंपाउंड पेंडुलम है मान लो, दिस इज ए कंपाउंड पेंडुलम. ठीक है, जो ये हमने डिस्कस किया था कंपाउंड पेंडुलम,
मान लो इसकी जो ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे, सो दिस इज अ पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में है ये। अगर इसको स्लाइटली देखो ऐसे डिस्प्लेस किया जाए तो ये क्या हो जाएगा, इस टाइप हो जाएगा। ये इसका सेंटर ऑफ मास, ये तो ऑफकोर्स ए तो फिक्स ही है, ठीक है। तो ये यहाँ से थीटा एंगल में मान लो हमने डिस्प्लेस किया, तो इस पर क्योंकि एम जी ऐसे वर्क कर रहा होगा, उसका एक कॉम्पोनेंट इसको वापिस अपनी जो ओरिजिनल पोजिशन है उसमें रिस्टोर करेगा। सो दैट्स वाई दिस पोजिशन इज ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि पॉइंट ऑफ सस्पेंशन इज अबव द सेंटर ऑफ मास, दिस जी इज सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास। सो दिस इज केस वन व्हेन द इक्विलिब्रियम इज स्टेबल। अगर मान लो इसी केस में अगर ये सस्पेंशन पॉइंट यहाँ पे है और सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, तो अगर इसको देखो इससे डिस्प्लेस करेंगे, ये इसे ऐसे डिस्प्लेस हो गया, दिस इज ए यहाँ पे आ गया, तो क्योंकि एम जी डाउनवर्ड वर्क करेगा तो इसको इनफेक्ट और फर्दर अवे ले जाएगा अपनी ओरिजिनल पोजिशन से, सो दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, सो दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, आई होप समझ में आता है। और मान लो जो सेंटर ऑफ मास है वहीं पे सेंटर ऑफ सस्पेंशन भी है या पॉइंट ऑफ सस्पेंशन भी है, तब क्या होगा, अगर कैसे भी इसको मूव करो इसके इक्विलिब्रियम में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इट विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। सो दिस इज नोन एज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है। सो दीज आर थ्री कंडीशन इनफेक्ट हमारे काम की है, स्टेबल एंड अनस्टेबल ओनली, ठीक है। सो आई होप यू क्लियर हो, लीजिए समझ में आ गया होगा कि स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, अनस्टेबल क्या होता है, ठीक है। सो स्टेबल इक्विलिब्रियम अगर फॉर्मली लिखा जाए, पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम वेयर इफ पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड इज डिस्प्लेस्ड देन द फोर्सेस एक्ट ऑन इट इन सच अ वे दैट दे ट्राई टू रिस्टोर इट्स ओरिजिनल पोजिशन। ओके, सो दिस इज द पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम व्हेन द बेसिकली इफ वी डिस्प्ले द पार्टिकल देन द फोर्सेज विल एक्ट इन सच ए वे दैट दे विल रिस्टोर इट्स ओरिजिनल पोजिशन, ठीक है। सिमिलरली वी कैन राइट फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, इसमें एवरीथिंग विल बी सेम, पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम वेयर पार्टिकल इज डिस्प्ले देन द फोर्सेज एक्ट ऑन इट इन सच ए वे दैट दे मूव द पार्टिकल अवे फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजिशन, ठीक है, दे वॉन्ट रिस्टोर इट, ठीक है। एंड इन केस ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम द इक्विलिब्रियम विल रिमेन एज इट इज, ठीक है, दे वॉन्ट बी एनी चेंज इन फैक्ट, ठीक है। सो देखो ये आई होप समझ में आता। अब देर आर थ्री मेथड्स मेथड्स टू फाइंड इफ इक्विलिब्रियम इज स्टेबल और अनस्टेबल, ठीक है। सो वॉट आर दे, फर्स्ट मेथड इज मेथड ऑफ वर्क फंक्शन, ठीक है। सेकेंड मेथड इज मेथड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, मेथड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। एंड थर्ड मेथड इज बेसिकली जेड टेस्ट, जेड टेस्ट और एच टेस्ट, ठीक है, वेयर जेड और एच इज हाइट ऑफ बेसिकली दैट सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी फ्रॉम अ फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। मान लो ये बॉडी है तो इसका ये सेंटर ऑफ मास है तो इसकी ये जो हाइट है इसको विल से जेड। व्हेन द हॉरिजॉन्टल प्लेन इज बेसिकली द बॉडी इज अबव दिस हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। अगर डेप्थ की बात करें मीन्स हॉरिजॉन्टल प्लेन मान लो इस बॉडी के ऊपर है तो इसको वी कैन से एच, ठीक है। तो इसमें दोनों कंडीशन रिवर्स हो जाएगी, जब ये बेसिकली जेड जो होगी हाइट होगी हॉरिजॉन्टल प्लेन से तब जो कंडीशन होगी, और अगर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन इस बॉडी के ऊपर ले मीन्स ये एच विल एक्ट एज ए डेप्थ, तब कंडीशन रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। विल डिस्कस दिस। सो फर्स्ट लेट अस टेक व्हाट इज वर्क फंक्शन एंड हाउ इट हेल्प अस इन डिटरमाइनिंग इफ
द इक्विलिब्रियम इज स्टेबल और नॉट, ठीक है, वर्क फंक्शन कॉन्सेप्ट। ठीक है, अच्छा लेट अस से ये कोई पार्टिकल है एट ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये यहाँ से यहाँ पे, ये यहाँ से इस बी पॉइंट पे चला गया, मान लो ये कर्व इसने ये रास्ता लिया इसने, ठीक है, और मान लो फोर्स जो था वो एफ वेक्टर लगा इस पे, यूनिफॉर्म फोर्स लेट अस से, तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन बाय एफ वेक्टर, ठीक है, इन डिस्प्लेसिंग पार्टिकल फ्रॉम ए टू बी, ये क्या हो जाएगा एफ डॉट डी आर इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी, लाइन इंटीग्रल एफ डॉट डी आर फ्रॉम ए टू बी, दिस इज वॉट द डेफिनेशन ऑफ वर्क इज, ठीक है। वर्क हमेशा दो पोजिशन पर डिपेंड करेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि पार्टिकल ए पे है तो वर्क डन क्या होगा, नो, ऐसे कहाँ पे हो गया, बी पे गया, सो ए से बी जाने में सो वर्क हुआ दैट इज एफ डॉट डी आर, ठीक है। अगर मान लो एफ यूनिफॉर्म है तो एफ वेक्टर को वी कैन टेक आउट डी आर ए टू बी, और वी कैन से एफ डॉट, मान लो बी जो है इसकी पोजिशन वेक्टर आर बी वेक्टर है और इसकी आर ए वेक्टर है, सो दिस विल बी आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर, सिंपल है, ठीक है। ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया है आई थिंक मैकेनिक्स में, फ्लूड में भी इनफेक्ट एनर्जी थ्योरम तो डिस्कस की थी, तो ये तो बहुत प्लेंटी ऑफ टाइम वे डिस्कस, ठीक है। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें मान लो ये जो ए पॉइंट है इसको स्टैंडर्ड पॉइंट ले लिया जाए, लेट अस से दैट जो ए पॉइंट है दिस इज स्टैंडर्ड पॉइंट, स्टैंडर्ड पोजिशन, ओके, लेट अस कॉल दिस आर नोर वेक्टर, ठीक है, और अगर कार्टेशियन में बोले तो एक्स नोर वाई नोर कोमा जेड नोर, और ये बी पॉइंट कोई भी जनरल पॉइंट ले लिया, लेट अस कॉल इट्स कोऑर्डिनेट आर वेक्टर, और अगर कार्टेशियन में बोले तो एक्स कोमा वाई कोमा जेड, ठीक है। तो इसमें जो वर्क, अभी अगर वर्क डन बाय फोर्स एफ वेक्टर, ठीक है, इन डिस्प्लेसिंग पार्टिकल फ्रॉम स्टैंडर्ड पोजिशन, स्टैंडर्ड पोजिशन ए टू बी इज गिवन बाय एफ डॉट डी आर, बस इनिशियल और एंड पॉइंट तो चेंज हुए, इनिशियल पॉइंट आर वे आर नोर है और फाइनल आर हो गया, और अगर कार्टेशियन में बोला जाए, ठीक है, कार्टेशियन में क्या हो जाएगा, एफ वेक्टर कैन बी रिटन एज एफ एक्स आई के प्लस एफ वाई जे के प्लस एफ जेड जेड के, एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स को वी आर डिनोटिंग बाई एफ एक्स, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, और डी आर वेक्टर क्या होता है, दिस इज नथिंग बट डी एक्स आई के प्लस डी वाई जे के प्लस डी जेड के, तो ये हो जाएगा आर नोर, अच्छा आर नोर को वी कैन राइट एक्स नोर कोमा वाई नोर कोमा जेड नोर, और आर वेक्टर को वी कैन से एक्स कोमा वाई कोमा जेड, ठीक है, और एफ डॉट डी आर करेंगे तो क्या आएगा, एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड, इसको लेट अस डिनोट बाय डब्लू, ठीक है, और जो भी ये पोजिशन है आर जो भी है पॉइंट बी है उसको हमने आर कोऑर्डिनेट बोला है, तो जनरल भी आर लिख सकते हैं यहाँ पे या सिंपल डब्लू भी बोल सकते हैं, सो दिस इज इन फैक्ट वर्क डन बाय फोर्स एफ इन डिस्प्लेसिंग ए पार्टिकल फ्रॉम स्टैंडर्ड पोजिशन टू अ जनरल पोजिशन बी जिसके की कोऑर्डिनेट आर वेक्टर है, ठीक है, सो दिस इज नोन एज वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन ऑफ बी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी जो है दिस इज वर्क फंक्शन, ठीक है। तो आई होप समझ में आता है कि वर्क फंक्शन हमने क्या किया कि एक स्टैंडर्ड पोजीशन से एक जनरल पोजीशन जो या जो भी पॉइंट है लेट अस से बी पॉइंट है वहां तक जाने के लिए जो वर्क हुआ उसको उस पॉइंट का वर्क फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। सो वर्क फंक्शन की डेफिनेशन होगी एफ डॉट डी आर इंटीग्रेशन फ्रॉम स्टैंडर्ड पोजिशन से दैट पोजिशन तक। अब देखो अगर ये इक्वेशन एग्जैक्ट हो गई, अगर ये इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाएगी तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी एफ लिख सकते हैं, इस पूरे को वी कैन राइट डी एफ, डी एफ क्या होगा यार, डेल एफ डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल एफ डेल वाई डी वाई प्लस डेल एफ डेल जेड डी जेड, लेट अस से कि ये जो
फोर्स है, इट्स अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड ओनली, इट डजेंट डिपेंड ऑन टी, ठीक है, फॉर सिंपलिसिटी वी कैन से दैट। तो देखो अगर इसमें अगर इसको डी एफ डॉट डी आर किया जाए तो क्या आएगा, नोट डी एफ डॉट डी आर, ये जो है इनफैक्ट दिस इज व्हाट, दिस इज ग्रेडियंट ऑफ एफ डॉट टी आर, इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिखा जा सकता है ग्रेडियंट ऑफ एफ डॉट डी आर, और ये एग्जैक्ट है, इसका मतलब तो ये हो गया कि जो एफ एक्स है डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड, दिस कैन बी रिटन एज सम डी और फाइ बोल दो, ठीक है, और इस फाइ को वी कैन राइट डब्ल्यू ऑल्सो, इसको ऐसा कुछ बोल सकते हैं डी डब्ल्यू, बिकॉज एग्जैक्ट का मतलब तो यही होता है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एग्जैक्ट, ठीक है, इसको ऐसा लिख सकते हैं, और जब ये एग्जैक्ट हो जाएगा तो देट विल बी डी डब्ल्यू या जो भी स्केलर क्वांटिटी है, इसका मतलब इनिशियल और जो फाइनल पोजिशन है उसी पे इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी। तो वी नो देट अगर अगर ये एफ डॉट डी आर जो है ये इक्वेशन अगर एग्जैक्ट हो जाती है तो वर्क इज बेसिकली इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ द फोर्स फॉलो, ठीक है, पार्टिकल को डिस्प्लेस करने में जो पाथ लगा उसकी दैट दिस इंटीग्रल विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ दैट, सो देन वी से दैट द फोर्स इज कंजर्वेटिव, ठीक है, फोर्स इज कंजर्वेटिव, ठीक है, अगर फोर्स कंजर्वेटिव होगा तो ये जो है ये इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाएगी, ठीक, आई होप समझ में आता है। और एक ये भी हमने लैग्रांजियन में डिस्कस किया था कि एफ वेक्टर कैन बी रिटन एज ग्रेडियंट ऑफ वी, वी इज पोटेंशियल ऑफ कोर्स, देन वी से दैट एफ इज कंजर्वेटिव, ठीक है। अच्छा देखो इसमें पोटेंशियल जो होता है यहीं पे देख लेते हैं उसको भी, पोटेंशियल वर्क फंक्शन और पोटेंशियल एनर्जी जो दोनों मेथड है दे आर बेसिकली सिमिलर कॉन्सेप्ट, ठीक है, बट रिवर्स। पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल होता है कि कोई भी पार्टिकल है इस कोई भी स्टैंडर्ड पोजिशन है, देखो अभी वर्क में क्या कर रहे हैं, स्टैंडर्ड पोजिशन है जो भी हमारी आर नोर उससे आर पे ले गए तो जो वर्क हुआ उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। पोटेंशियल एनर्जी में ऑपोजिट है, इफ अ पार्टिकल इज टेकन फ्रॉम अ जनरल पोजिशन टू अ स्टैंडर्ड पोजिशन देन द वर्क डन इज नोन एज इट्स पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। सो बेसिकली होगा क्या कि जो W है और ये इसको लेट अस डिनोट बाय V, दे विल बी रिवर्स ऑफ इच अदर, भाई W क्या होगा, वर्क क्या होगा, स्टैंडर्ड वर्क फंक्शन विल बी फ्रॉम R नोड से R पे जो ले जा रहे हैं उसको W बोलते हैं, तो रिवर्स अगर आएंगे तो उसको माइनस W बोलेंगे, बट देट इज डिफाइंड एज V, सो माइनस W इज V, ओके। सो पोटेंशियल ऑफ ए सिस्टम इज नथिंग बट माइनस ऑफ इट्स वर्क फंक्शन एट दैट पॉइंट, ठीक है, तो आई होप समझ में आता है। सो दे आर बेसिकली दे डिफर बाय माइनस साइन, ओके। सो अब देखते हैं इस कॉन्सेप्ट का यूज कैसे होता है, ठीक है, स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी डिसाइड करने में जो वर्क फंक्शन है इसका यूज कैसे होगा। जैसे मान लो कि ये पार्टिकल है, मान लो ये ए पोजिशन पे है, यहाँ पे जो है इसका वर्क फंक्शन है वो डब्ल्यू है, मान लो ये जब बी पोजिशन पे आ गया तो वर्क फंक्शन इसका मान लो डी डब्ल्यू प्लस डी डब्ल्यू हो गया, ठीक है। तो इसमें देखो, अच्छा वर्क डन बाय अ फोर्स इन डिस्प्लेसिंग अ बॉडी फ्रॉम ए टू बी, दिस इज गिवन बाय वर्क फंक्शन एट बी माइनस वर्क फंक्शन एट ए। अगर सिंपल वर्क के कॉन्सेप्ट करेंगे तो क्या होगा, एफ डॉट डी आर फ्रॉम ए टू बी, ऐसा बोलेंगे, दिस विल बी दिस वर्क जो ए से बी को पार्टिकल को ले जाने में हुआ है, ठीक है। बट इन टर्म्स ऑफ वर्क फंक्शन किया जाए, देखो डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए क्या होगा, वर्क फंक्शन ऑफ बी क्या होगा, आर नोड से आर बी पे जा रहे हैं एफ डॉट डी आर माइनस वर्क फंक्शन ए, ए पे क्या होगा, आर नोड से आर ए पे जा रहे हैं एफ डॉट डी आर, ठीक है। और इसको देखो इसको ऐसा किया जा सकता है आर नोड से आर बी एफ डॉट डी आर तो सेम ही है दोनों में, अगर इसको रिवर्स कर दिया जाए लिमिट तो ये प्लस हो जाएगा, दिस विल बी आर ए से आर नोट, और इसको भी कैंसिल, अगर इसको पहले लिया जाए आर ए से आर नोट
प्लस आर नोड से आर बी, और ये तो एफ डॉट डी आर है, इंटीग्रांड तो सेम है दोनों में, और इसको बाई डेफिनेशन इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी वी कैन क्लब दिस बोथ, तो इसको व्हाट वी कैन राइट, इसको सिंपली वी कैन राइट कि आर ए से आर बी एफ डॉट डी आर, सो दैट इज डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए, ठीक है। इसका मतलब कोई भी दो पॉइंट है मान लो ए और बी, अगर पार्टिकल को ऐसे बी में ले जाते हैं बाय ड्यू टू अ फोर्स एफ, दिस पार्टिकल इज बीइंग डिस्प्लेस्ड फ्रॉम ए टू बी, देन द वर्क डन विल बी डिफरेंस बिटवीन देयर वर्क फंक्शन मीन्स डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट का यूज होगा अभी, जो स्टेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट है ये, जैसे मैंने अभी देखा, देखो मान लो इनिशियली ये जो पार्टिकल है वो ए पोजिशन पे है, यहाँ पे इस जो भी वर्क फंक्शन है वो डब्ल्यू है, ये मान लो इसको फोर ए शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट दिया गया, तो ये बी पे आ गया, तो वर्क जो होगा डब्ल्यू प्लस डी डब्ल्यू हो गया, ठीक है। सॉरी वर्क फंक्शन है, दीज आर द वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन एट बी एंड दिस इज वर्क फंक्शन एट ए, वर्क फंक्शन एट ए इज डब्ल्यू एंड वर्क फंक्शन एट बी इज डब्ल्यू प्लस डी डब्ल्यू, ठीक है। तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन दिस विल बी डब्ल्यू प्लस डी डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू, दैट इज इक्वल टू डी डब्ल्यू, बट एज पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम, पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, सो बाय प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, वर्चुअल वर्क दिस शुड बी जीरो, भाई टोटल वर्क डन तो जीरो होता है, ठीक है, ओके। अच्छा कोई भी मान लो फंक्शन है एफ थीटा है, ये कोई फंक्शन है, अगर डी एफ जीरो है, इसका मतलब क्या हो गया कि एफ इज मैक्सिमम और मिनिमम एट दोज पॉइंट वहां पे जहां पे डी एफ जीरो, ये तो मैक्सिमम मिनिमम की कंडीशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल कैलकुलस इनफैक्ट, ठीक है। तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू जीरो होगी, मतलब यहाँ पे जो है ना, सो फ्रॉम दिस व्हाट वी कैन से दैट इन पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम, पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम वर्क फंक्शन विल बी मैक्सिमम और मिनिमम, दिस वी कैन से, वी डोंट नो कि मिनिमम होगा या मैक्सिमम, बट डी डब्ल्यू जीरो है इसका मतलब डब्ल्यू या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा उस पॉइंट पे, ठीक है। अच्छा अब इसमें मैक्सिमम मिनिमम की कंडीशन है, देखो लेट डब्ल्यू बी मैक्सिमम एट पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसका मतलब जब ए पे है तो ये डब्ल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू इसकी, तो जो बी पे आएगा तो मान लो जो भी इसकी वैल्यू है w प्लस w डेस या वट एवर इट इज, लेट अस से w डेस बोल देते हैं, w प्लस डी डब्ल्यू, तो इसमें w माइनस w डेस करेंगे तो दिस विल बी पॉजिटिव ऑफ कोर्स बिकॉज w इज मैक्सिमम, दिस इज द मैक्स वैल्यू, वी हैव एज्यूम दैट w मैक्सिमम एट द पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ओके। इसका मतलब क्या हो गया, अच्छा या इसको ऐसा बोल सकते हैं वर्क डन क्या होगा, वर्क डन ये क्या हो जाएगा, इसको डायरेक्ट ऐसा ही कर सकते हैं, ये W है तो यहाँ पे सम W माइनस डी डब्ल्यू होगा बिकॉज ये मैक्सिमम है तो B पे थोड़ा बहुत इससे कम ही होगा, वर्क फंक्शन है, दिस इज वर्क फंक्शन, ठीक है। इसका मतलब जो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज फाइनल वर्क फंक्शन माइनस इनिशियल वर्क फंक्शन, सो दिस इज माइनस डी डब्ल्यू विच इज लेस देन जीरो, इनफैक्ट दिस इज लेस देन जीरो, इसका मतलब जो है नेगेटिव वर्क हो रहा है, नेगेटिव वर्क हो रहा है, नेगेटिव वर्क, नेगेटिव वर्क कब होता है, जब जो डिस्प्लेसमेंट है उसके ऑपोजिट फोर्स लग रहा है, मान लो ये इधर डिस्प्लेस किया तो फोर्स ऐसे लग रहा है, इसका मतलब जैसे ये पार्टिकल है इसको हमने बी की साइड ए से बी पे डिस्प्लेस किया तो इसमें फोर्स ऐसे एक्ट कर रहा है कि इसको वापस अपनी ओरिजिनल पोजिशन में ले जाने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब हियर व्हाट फोर्स इज डूइंग दैट इट इज ट्राइंग टू रिस्टोर इट्स पोजिशन, सो दिस इज पोजिशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि स्टेबल इक्विलिब्रियम में ऐसा होता है कि वो अपनी ओरिजिनल पोजिशन में रिस्टोर करने की कोशिश करते हैं फोर्स, ठीक है। सो एज वर्क डन by force is opposite side to its displacement,
फोर्स इज ट्राइंग टू रिस्टोर अ पार्टिकल पार्टिकल्स ओरिजिनल पोजिशन. Hence, this is position of stable equilibrium. ठीक है, आई होप समझ में आता है, इजी कॉन्सेप्ट है. ठीक है, तो अब देखो ये तो जब अगर W मैक्सिमम है तो ये हो रहा है स्टेबल, तो जब W मिनिमम होगा तो क्या होगा. इफ W इज मिनिमम एट पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम then it will be position of unstable equilibrium. Same concept है, जब जब ये minimum है W, तो इसको displace किया तो W W plus DW होगा, और DW is positive of course. ठीक है, तो change क्या आएगा, DW which is greater than zero. इसका मतलब जिस direction में displacement हो रहा है force भी उसी direction में लग रहा है, तभी तो पॉजिटिव वर्क हो रहा है. इसका मतलब जो अगर उसको डिस्प्लेस किया तो दैट फोर्स विल एक्ट इन सच ए वे दैट इट विल मूव द पार्टिकल इवन फर्दर अवे फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजिशन. ठीक है, सो दिस इज इन फैक्ट कंडीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. ठीक है, और न्यूट्रल में तो कुछ होना ही नहीं, इट विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम वॉट एवर डिस्प्लेसमेंट यू पुट या यू अप्लाई. ठीक है, सो बस ये है. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क फंक्शन. अब देखो ये हमने डिस्कस किया कि वर्क फंक्शन जो होता है एंड जो पोटेंशियल है उनमें दोनों में रिवर्स कर मीन्स नेगेटिव से दे आर रिलेटेड. W इज इक्वल्स टू माइनस V, तो सारी कंडीशन रिवर्स हो जाएगी. मतलब जब V जो होगी ओके पोजिशन एट विच V इज मिनिमम. ठीक है, पोजिशन का मतलब यहाँ पे पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम. This is given that position is of equilibrium only. Equilibrium तो वहाँ है, बस हमें ये पता करना है कि वो स्टेबल है या अनस्टेबल. ठीक है, सो पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम एट विच V इज मिनिमम देन इक्विलिब्रियम विल बी स्टेबल देयर, स्टेबल इक्विलिब्रियम. क्योंकि यहाँ पे जब W मैक्सिमम था तब स्टेबल था, बट क्योंकि नेगेटिव से रिलेटेड है तो यहाँ रिवर्स हो जाएगा. जब V मिनिमम होगी देन दैट पोजिशन विल बी ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम. एंड ऐसे रिवर्स लिख सकते हैं, इफ V इज मैक्सिमम एट दैट पोजिशन देन इट विल बी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. ठीक है, इसके बाद थर्ड जेड टेस्ट था, वो भी इसी से लिंक्ड है. देखो ये सिंपल सा जो जेड टेस्ट है वो क्या है, ये मान लो ये यहाँ पे सिर्फ ग्रेविटी है वो वर्क कर रहा हो, कोई फोर्स है नहीं. मान लो यहाँ पे ये कोई पार्टिकल है. ठीक है, तो मान लो ये जो है, या मान लो ये सिंपल पेंडुलम ही है और ये जो डिस्टेंस है ये जेड है मान लो. ठीक है, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी अगर यहाँ से देखा जाए, तो दिस इज एम जी जेड. ठीक है, अब ये जेड मिनिमम कब होगी, जब देखो एम जी तो कांस्टेंट है, तो जब वी मिनिमम होगी तभी जेड भी मिनिमम होगा. बट वी नो दैट जब वी मिनिमम होती है, वी मिनिमम होती है देन वी से दैट पोजिशन जो पोजिशन है दैट इज पोजिशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम. ठीक है, सो व्हेन जेड इज मिनिमम देन दैट पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज पोजिशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम. और जब जेड मैक्सिमम होगी तो वो हो जाएगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजिशन. ठीक है, आई होप समझ में आता है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है. पर देखो इसमें एक कैच है, इसमें मान लो अगर ये रेफरेंस हम लोग यहाँ पे ले लेते, ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, दिस इज हॉरिजॉन्टल प्लेन और ये इसकी हाइट है. ठीक है, मान लो ये यहाँ पे रेफरेंस प्लेन ले लेते और ये एच है, मान लो दिस इज डेप्थ ऑफ कोर्स क्योंकि इस प्लेन के नीचे है ये. तो अभी देखो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी अगर इस रेफरेंस में लिखेंगे आप लोग, तो क्योंकि रेफरेंस के नीचे है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, माइनस एम जी एच. तो यहाँ पे जब वी मिनिमम कब होगी, जब एच मैक्सिमम होगा. V मिनिमम तब होगी जब H मैक्सिमम होगा. इसका मतलब जब H मैक्सिमम होगा यहाँ पे, H मैक्स होगा तब स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा. ठीक है, सो दिस इज इम्पोर्टेंट. अगर जो ओरिजिनल प्लेन जो है उससे हाइट पे है बॉडी, तब तब तो Z मिनिमम वाली स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा. पर अगर डेप्थ पे है
तो रिवर्स हो जाएगी कंडीशन, ठीक है। तो कोई भी एक कंडीशन सीख लो, ये सीख लो हॉरिजॉन्टल प्लेन से हाइट पे है बॉडी, तो दूसरी अपने आप कर सकते हैं, ठीक है। इन तीनों मेथड इनफैक्ट दे आर इंटरलिंक, ठीक है। कोई से भी एक से अगर एक अच्छे से समझ में आता है तो तीनों दे आर इंटरलिंक, ठीक है। सो आई होप समझ में आता है। नाउ विल डील विथ क्वेश्चंस बेसिकली। उससे पहले विल ड्राइव एक्सप्रेशन कि मान लो कोई रफ सरफेस है, उस पर एक रिजिड बॉडी रखी हुई है, ठीक है। तो इस केस में स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है? अगर मान लो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो लोअर बॉडी है उसका आर रो वन है और इसका रो टू है, ठीक है। और मान लो ये जो इनका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है दोनों का वो, और इसका मान लो अपर बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ कहीं है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो है बेसिकली ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है इनका, इसका जो है वर्टिकल से मान लो एल्फा एंगल है, ठीक है। देखो इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऐसा होगा कि ये जो लाइन ऑफ एक्शन है इस पॉइंट से जाना ही होगा, एम जी ऐसे ही इस पे वर्क करेगा, ठीक है। अगर ये एल्फा है तो दिस एक्सप्रेशन विल ड्राइव कि ये जो मान लो ये जो यहाँ से इसकी हाइट एच है, मान लो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है सेकेंड बॉडी का, तो जो एच है यहाँ पे ये एच जो सेंटर ऑफ मास है, दिस शुड बी लेस देन इक्वल्स टू रो वन रो टू डिवाइड बाय रो वन प्लस रो टू कोस एल्फा। एल्फा समझ में आया आपको? ये जैसे ये दो बॉडीज है, ये कॉन्टेक्ट है इनका, ये मान लो इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, ठीक है, और ये वर्टिकल एक्सिस है, तो इससे ये जो दोनों का जो सेंटर जॉइनिंग लाइन है ये एंगल एल्फा बना रही है, ठीक है। यहाँ पे ऑफकोर्स इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा इस बॉडी का, तभी तो ये स्टेबल, स्टेबल होने के लिए क्या जरूरी है कि ये पॉइंट से एम जी मास पास होना चाहिए इसका, इसके लाइन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ एम जी फोर्स जो है देट विल पास थ्रू दिस पॉइंट, ठीक है। तो ये एल्फा है, तो ये कंडीशन आएगी अगर ये इस फिक्स सरफेस से यहाँ से ये हाइट एच सी एम बोलते हैं इसको, सेंटर ऑफ मास की हाइट एच है, तो अगर ये लेस देन रो वन रो टू ये है तो देट विल बी स्टेबल इक्विलिब्रियम, और अगर ये ग्रेटर है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी देखो जो फिक्स सरफेस लिया है वो उससे हाइट पे है ये, अगर डेप्थ पे होता है तो रिवर्स हो जाएगी कंडीशन, ठीक है। और अगर मान लो ये एल्फा जीरो हो जाए, एल्फा जीरो का मतलब क्या है कि एस टाइप से बॉडीज रखी हुई है, एकदम वर्टिकल हो गई ये लाइन जो उनके सेंटर को ज्वाइन करने वाली है, ठीक है। तो उस केस में अल्फा जीरो कर देंगे तो, और ये मान लो जो भी इसका सेंटर मास की हाइट एच सी एम है, तो देन एच सी एम शुड बी लेस देन इक्वल्स टू रो वन रो टू डिवाइड बाई रो वन प्लस रो टू, दिस इज कंडीशन फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल के लिए रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। दिस विल प्रूव इन नेक्स्ट लेक्चर, ओके। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।